सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं भाई आज के अपने इस वीडियो में। और आज जो अपन वीडियो लेके आने वाले हैं भाई, एक बहुत ही मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था, और मोस्टली कमेंट इस टॉपिक के ऊपर जो है मेरे पास आते हैं जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो रेडर 125 के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं, और रेडर 125 के मैंने जितने भी वीडियोज़ डाले हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ये कमेंट आ ही जाता है कि यार भैया मेरे को बुकिंग कराए हुए 2 वीक हो गए, 1 महीना हो गया, इवन डेढ़ महीने तक लोगों की बुकिंग जो है पेंडिंग पड़ी है, उनको डिलीवरी नहीं मिल पा रही। तो अपन को पता है इसके पीछे की असली वजह क्या है, तो आप लोगों के साथ जो है अपना शेयर करने वाले हैं कि भाई रेडर 125 इतनी बुकिंग के बाद भी इसकी इतनी शॉर्टेज क्यों चल रही है, शोरूम वाले डिलीवरी क्यों नहीं दे पा रहे, क्या असली वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि भाई जो है ये बाइक आपको नहीं मिल पा रही है इतनी बुकिंग के बाद भी। तो उसी रिलेटेड होगा वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना आप लोग को पसंद है, तो सबसे पहले इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑल, तक इसी तरह का जो है बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए भाई असली वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टीवीएस रेडर 125 बुकिंग के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा। 125 सीसी में आज के टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट बाइक है, और बहुत से भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं यार, ये बाइक सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे 125 सीसी में, आप इसको खरीदिए। और उसी का जो है रीज़न है कि इसकी इतनी शॉर्टेज चल रही है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि अगर आप इसका प्रोडक्शन यूनिट्स देखोगे, जो कैपेसिटी देखोगे, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार मंथली इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और अगर इसके आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे सेल रिकॉर्ड, तो वो इतने बराबर ही हैं। उसके अलावा भी बुकिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बुकिंग शोरूम्स पे काफ़ी पड़ी रहती है। तो उसी का रीज़न है कि मतलब प्रोडक्शन जितने बन रहे, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा सेल आउट हो जाता है, और बुकिंग की जो डिमांड आ रही है उसको कंपनी पूरा नहीं कर पाती। तो ये तो हो गया मेन रीज़न। दूसरा रीज़न जो इसके पीछे का है वो ये है कि भाई अगर जैसे बहुत से लोगों का ऐसा भी नहीं है कि आपको मिल नहीं पा रही 2 वीक की, मेरे को भी ऑलमोस्ट 12-1 दिन लग गए बुकिंग के बाद आने में, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कहीं कहीं शोरूम वाले, कहीं कहीं डीलर क्या करते हैं कि जैसे उनका कोई नोन है, किसी ने 1,500 रुपये ज़्यादा दे दिए, या फिर किसी का कोई इसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो वहीं से उसी डेडिकेटेड उसी डीलर से या शोरूम से सारी बाइकें उठा रहा है, तो वो फिर वहाँ पे थोड़ा गेम खेल जाते हैं, वो आपकी बुकिंग को थोड़ा और डिले कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है इसकी डिमांड ज़्यादा है तो बुकिंग चल रही है, तो वो आपको बोल देते हैं सर अभी आई नहीं। ऐसा नहीं कंपनी से बाइक्स नहीं आ रही, जितना प्रोडक्शन हो रहा है आ रहा है, बट डीलर यहाँ पे क्या कर जाते हैं कि अपने किसी जानकार को दे दिया, नोन को दे दिया, या थोड़ा बहुत वर्कर वहाँ पे होते हैं जो सेल्समैन का काम करते हैं, वो अपने किसी ना किसी नोन को दे देते हैं। मतलब ऐसे कुछ रीजंस हैं जिस कारण इसकी शॉर्टेज चल रही है। बट मेन मुद्दा तो यही है कि प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है कंपनी की वो थोड़ी कम है, अभी इतनी प्रोडक्शन कंपनी कर पा रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है डिमांड पूरी कर नहीं पा रही। और उसका रीज़न यही है कि यार ये बेस्ट बाइक है 125 सीसी में, आपको इसमें पावर मिल रही है, माइलेज ठीक ठाक मिल जाता है, कम्फर्ट अच्छा है, लॉन्ग राइड भी आप कर सकते हो, तो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो बस वही रीज़न जो है रहा है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब डिमांड पूरी कब होगी, जब प्रोडक्शन होगा, बट प्रोडक्शन इतना कंपनी कर नहीं पा रही, तो उसी का रीज़न है कि बहुत से जो भाई लोगों के कमेंट आते हैं ना, बट ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, आप डीलर से जाके बात करो कि भाई ऐसा नहीं है, हम कंपनी में मेल कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। जिन भाइयों का डेढ़ महीने की बुकिंग, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है, इसके पीछे का यही मेन रीज़न है। ऐसा भी नहीं है कि आपको डेढ़ महीने तक बुकिंग करें, आप डीलर से बात करो कि भाई हम कंपनी में आके बात कर लेंगे, बाइक्स आ रही है बट ऐसा कुछ हो जाता है इन रीजन की वजह से आपको मिल नहीं पाती। तो जिन भाइयों के कमेंट आए उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि भाई इतनी बुकिंग कराने के बाद भी वेटिंग पीरियड इतना क्यों चल रहा है आपका 1-1.5 महीने का, मैक्स टू मैक्स 2 वीक में आपको बाइक मिल जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है और सेल रिकॉर्ड अपन उठा के देखें तो 2 वीक के अंदर अंदर आपको ये बाइक मिल जानी चाहिए। तो बस यही था अपना वीडियो कि भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए जो है इसके प्रोडक्शन वो जो हो रहा है प्रोडक्शन इसको पूरा नहीं कर पा रहा डिमांड को, इसलिए इस बाइक की इतनी शॉर्टेज चल रही है। तो बस यही था अपना वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसे अगर बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।